hey guys welcome back to my youtube channel today we will start distrust of statistic we have seen that statistic play an important role in business and economic life still there is a considerable distrust in statistic by distrust in statistic we mean lack of faith and confidence in statistical statements and methods very often it is said that स्टैटिस्टिक कैन प्रूव और औरूव एनी थिंग अनादर फॉर्म ऑफ लाइंग देयर आर थ्री काइंड ऑफ लाइज लाइज डिमांड लाइज एंड स्टैटिस्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक स्टैटस्टिक्रस्ट क्यों है हमने देखा कि स्टैटिस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस और इकोनॉमिक में लेकिन यहाँ पे एक डिस्ट्रस्ट है यानी कि हम एक चीज है जो हम विश्वास नहीं कर सकते स्टेटिस्टिक्स वी मीन लैक ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स में हम कॉन्फिडेंस uh, नहीं मिल सकता क्योंकि स्टैटिस्टिक जो है वो किसी भी चीज़ को प्रूव भी कर सकता है और डिसप्रूव भी कर सकता है ये बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक एक दूसरी फॉर्म है लाइंग की देखिए कैसे है लाइंग की दूसरी फॉर्म कि हम कोई डाटा है हम कोई मिस यूज कर दें और फिर वो डाटा हमारे लिए मतलब एक तरीके का लाई हो जाएगा झूठ हो जाएगा तीन तरीके के लाई होते हैं डिमांड लाइज एंड स्टैटिस्टिकल लाई और लाई लाइज ठीक है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सो so, इसको आप छोड़ भी सकते हैं पेपर के लिए ओके नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन रिसेंट डेज वी आर हीयर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक फॉर कॉमन पर्सन टू हाईली क्वालिफाइड पर्सन आज कल क्या देखते हैं हम कि हम ये बात करते हैं कि जो स्टैटिस्टिक है common person एक कॉमन पर्सन से लेके एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन तक के लिए है इट ओनली शो हाउस स्टैटिस्टिक इट ओनली शो हाउस स्टैटिस्टिकीन इनिटी इनिमेटली कनेक्टेड विद वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ इस स्टैटिस्टिक हमें ये बताता है कि कैसे वो एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज से डेली कनेक्ट होता है डेली लाइफ की अलग अलग एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड है स्टैटिस्टिक इन द बायोलॉजिकल, फ़िजिकल एंड सोशल साइंस ऑफन फेस द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक विद मिक्सड इमोशंस जो स्टूडेंट है वो बायोलॉजिकल फ़िजिकल और सोशल कंडीशंस और सोशल साइंस देख कंडीशंस देखता है पढ़ता है स्टैटिस्टिक में जिसके अंदर मिक्स्ड इमोशंस होते हैं दे रियलाइज दैट वर्क इन देयर फील्ड रिक्वायर सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक उन्हें यह महसूस होता है कि उन्हें अपने फील्ड में काम करने के लिए थोड़ी सी स्टैटिस्टिक की नॉलेज होना ज़रूरी है इट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक ये इम्पोर्टेंस बताता है स्टैटिस्टिक की स्टैटिस्टिक इज़ वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिज़नेस कॉमर्स इकोनॉमिक इन तीनों फील्ड में एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक लेटेस्ट एग्जामा इन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन अब हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक की स्टैटिस्टिक इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट फिल्म्स गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में हम स्टैटिस्टिक कैसे यूज करते हैं स्टैटिस्टिक आर एक्सटेंसिवली यूज एज असिक बेसिस फॉर गवर्नमेंटल प्लान एंड पॉलिसीज द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री कलेक्ट न्यूमेरिकल डाटा इन रिलेशन टू इट्स पीपल इट्स इकोनॉमी एंड इट्स सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस एज अ रूटीन जॉब देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो अब डाटा कलेक्ट करती है न्यूमेरिकल डाटा अपने पीपल्स का जो उनकी कंट्री के लोग हैं इथ इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी चेक करती है उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन चेक करती है रूटीनली डेली का उनका यही काम होता है कि वो अपनी जो स्ट्रेटिशियंस होते हैं गवर्नमेंट में उनका सिर्फ यही काम है कि वो अपने कंट्री के लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन सोशल इकोनॉमिक कंडीशन का डाटा कलेक्ट करे एवरी गवर्नमेंट मेक एन एस्टिमेट ऑफ इट्स रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर हर गवर्नमेंट अपनी एक रिसिप्ट बनाती है कि और अपनी एक्सपेंडिचर की रिसिप्ट बनाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रिसिप्ट बनाती हैं प्रोडक्शन कंजप्शन प्राइस वेरिएशन लेबर क्राइम ई इन सब को स्टैटस्टिकल ट्रीटमेंट से ही हम कंपाइल कर सकते हैं और डाटा इनसे ही कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक इन इंडिया प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट इंडिया में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एक किसी भी बॉडी को चलाने के लिए एक प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा एक प्रॉपर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एवरी फाइव ईयर प्लान्स होते हैं बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं जिनमें हम प्लानिंग करते हैं बजट पास करते हैं वो भी सब प्लान करके करते हैं उनमें भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से बहुत सारा काम होता है डाटा कलेक्ट होता है ठीक है स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक द रिनोवड इकोनॉमिस्ट मार्शल लेड स्ट्रेस ऑन द इंडक्टिव मैथड ऑफ स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक ही सैड स्टैटिस्टिक आर द स्ट्रो आउट ऑफ विच आई लाइक एवरी अदर इकोनॉमिस्ट हैव टू मेक ब्रिक्स एक साइंटिस्ट हुए थे मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने कहा था कि स्टोट स्टाटिस्ट, स्टेटिस्टिक एक स्टो है जिसमें से हम और लाइक एवरी अदर इकोनॉमिस्ट और जो मैं और जब मेरे तरीके के इकोनॉमिस्ट हैं हैव टू मेक उन्हें ब्रिक्स बनानी पड़ेगी स्टैटस्टिक इज़ गनिंग एंड एवर इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक की फील्ड में की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दैट इज वाई टगवेल एट द साइंस ऑफ इकोनॉमिक इज बिकमिंग स्टैटिस्टिकल इन दिस इन इट्स मैथड टगवेल टगवेल ने कहा था कि जो साइंस है इकोनॉमिक है वो स्टैटिस्टिकल uh, मैथड बनती जा रही है स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक आर सो इंटर रिलेटेड टू ईच अदर दैट द न्यू डिसिप्लिन लाइक इकोनोमेट्रिक एंड इकोनॉमिक हैज बीन डेवलप साइंस स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स बहुत इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से जिससे बहुत सारे डिसिप्लिन बन रहे हैं जैसे कि इकोनॉमेट्रिक हो गया इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक हो गया बहुत सारे स्कोप है स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स से स्टैट्स हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर डिस्क्रिप्शन कंपेरिजन कॉ रिलेशन वो ये डाटा है कि इकोनॉमिक डाटा में हमको रिलेशन की हेल्प से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए कंपेयर कर सकते हैं लेट डिस्कस इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक के डिफरेंट सेगमेंट्स में हम स्टैटिस्टिक को डिस्कस करते हैं सबसे पहले कंजप्शन बाय स्टैटिस्टिक ऑफ कंजप्शन वी कैन फाइंड द वे इन विच पीपल इन डिफरेंट ग्रुप स्पेंड दियर इनकम कंजप्शन से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं वो अपनी इनकम किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं फैमिली बजट की इंक्वायरीज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके टेस्ट हैबिट कस्टम्स इन सब की हम स्टडी किस में करते हैं स्टैटिस्टिक में करते हैं और इकोनॉमिक्स में करते हैं प्रोडक्शन बाय स्टैटिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई इज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड प्रोडक्शन की हेल्प से हम सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग बाय प्रोडक्शन वी कैन कंपेयर अवर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज हम प्रोडक्शन के बेसिस पर हम अपने आप को और दूसरी कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं एक्सचेंज अ असिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मार्केट लॉ ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मोनोपोली बैंकिंग स्पेकुलेशन इट इजी कैन नॉट बी मेड विदाउट स्टैटिस्टिक प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमिटी इज डेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिस नॉट भी ट्रैकल बाई विदाउट स्टैटिस्टिक देखिए स्टैटिस्टिक में क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी होती है मार्केट की लो प्राइस जो बेस्ड होते हैं जो सप्लाई होती है डिमांड होती है कोस्ट प्रोडक्शन पे बेस्ड है बैंकिंग स्पेकुलेशन पे बेस्ड है ये हम स्टैटिस्टिक के बिना बिल्कुल नहीं कर सकते ठीक है थीगे? इसलिए हमें स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक की की हेल्प करनी, हेल्प चाहिए होती है इन सब, इन सब सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक प्लेज अ वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री बाय स्टैटिस्टिकल मेथड एंड कम्पलीट इट विद अदर कंट्रीज जो स्टैटिस्टिक है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन में वी कैलकुलेट हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कंट्री की स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके और इसे कंपेयर कर सकते हैं अदर कंट्रीज के साथ ओके स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स लेबर ई टी सी स्टैटिस्टिक प्ले अ वाइटल प्रॉपर नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हम स्टैटिस्टिक का बहुत पक्ब पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करता है In economic planning we need all such type of statistic and that is why it is essential to collect data and overall resource of the community including physical, financial and human. इसी वजह से economic planning करने के लिए किसी भी statistic की हम use करते हैं कि data को collect करना उस resource का overall data collect करेंगे community including उसके अंदर physical, financial और human कुछ भी conditions हो सकती हैं स्पेशल अटेंशन में भी गिवेन इंफॉर्मेशन ऑन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एन एस एस ओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सी एस ओ आर एस्टेबलिश टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिया में ये सब इंफॉर्मेश्स प्रोवाइड करने के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए स्पेशली दो ऑर्गेनाइजेशन हैं एन एस एस ओ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एन सी एस ओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एट स्टेट लेवल ये नेशनल लेवल पे है स्टेट लेवल पे है एस ए एस ए यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी ओके ये सब डाटा कलेक्ट करती हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए और ये यूजफुल है स्टैटिस्टिक इन बिजनेस एंड कॉमर्स इन द पास्ट बिजनेस वी स्मॉल इन द पास्ट बिजनेस small. स्मॉल नाउ द पिक्चर हैज़ changed. चेंज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल have expanded देयर sizes. कॉम्पिटिशन हैज़ ग्रोन एंड थर्स द प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंक्रीज देखिए पहले क्या था कि बिज़नेस बहुत स्मॉल लेवल पर चलता था कुछ ही लोग बिजनेस कर सकते करते थे लेकिन अब क्या है अब एकदम पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो गई है अब क्या है जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट्स हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं सब लोग बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिजनेस एक वो रास्ता है जिससे हम वी कैन फुलफ़िल अवर नीड्स इन सच सिचुएशन इट इज़ वेरी असेंशियल टू नो अबाउट पास्ट एज वेल एज फ्यूचर इन सिचुएशंस में जानने के लिए हमें सबसे पहले अपना पास्ट और फ्यूचर का पता होना चाहिए मार्केट कंडीशंस क्या हैं मार्केट कंडीशंस आर चेंजिंग देयर फास्टली एंड देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर अ बिजनेसमैन टू सम साइंटिफिक अप्रोच टू मेंटेन हीज पोजिशन इन द मार्केट मार्केट कंडीशंस अब बहुत जल्दी से बढ़ रही हैं चेंज हो रही हैं और एक बिजनेसमैन के लिए नेसेसरी है कि वो अपनी साइंटिफिक अप्रोच लगा के अपने मार्केट पोजीशन को बचाए रखे तो अंड बेटर प्राइस इन कॉम्पिटिटिव मार्केट इट इज़ नेसेसरी टू वॉच द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा प्राइस अर्न करने के लिए कि एक कॉम्पिटेटिव मार्केट में एक नेसेसरी है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांचे विच इज़ पॉसिबल बाई इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल जो क्वालिटी कंट्रोल से ही पॉसिबल होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे एस क्यू सी विच इज़ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इसमें हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज चेक करते हैं बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स ओके सो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूँगी और इस चैप्टर में इतना ही था जितने हमने पढ़ा इसमें से कुछ ज़्यादा खास नहीं आता बस थोड़ी बहुत डेफिनीशन स्टैटिस्टिक की लिमिटेशंस वगैरह ये ही आ जाते हैं कभी कभी